पूर्वांचल विकास निधि जिलांश वर्ष 2019-20 के तहत वार्ड नंबर 50 विकास नगर में पावर हाउस के बगल से मुन्नीलाल यादव के घर तक के सीसी रोड का शिलान्यास नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद प्रमिला ओझा, भाजपा के गोरक्ष नगर मंडल के अध्यक्ष संत शुकृत संजय यादव, कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग के अवर अभियंता वसंत राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देश और प्रदेश का विकास जोरों पर है, इसी के तहत महानगर का विकास प्रगति पर है, जिसके तहत रविवार को सीसी रोड का शिलान्यास किया गया है, जिससे कॉलोनी वासियों को यात्रा सुलभ और सुगम हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, आए पहले पार्षद जी सारी दुकान आइए बेंच दुकान एक परिवार के दो लोगों का नाम राय साहब मत रखा समझे सही से ना भाई लंबाई सड़क ये विकास नगर वार्ड है और हमेशा हम लोगों ने इसको प्राथमिकता पर लिया है। राष्ट्रवादी विचारों का ये पूरा का पूरा केंद्र है ये वार्ड, और हमने हमेशा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक विकास काम यहाँ कराए जाएं। आप यूँ समझिए कि पिछले 9 सालों में कुल मिले 15 करोड़ रुपए विधायक निधि मिली है, उसमें से 1.2 करोड़ रुपया मैंने सिर्फ इस विकास नगर वार्ड के विकास में दिया है। आज कुल मिलाकर के हम लोग करीब 30 लाख की सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं यहाँ है, और एक सड़क हम लोग अभी रुस्तमपुर में प्रताप नगर में करके आ रहे हैं। तो हम सब गोरखपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये हमारा दायित्व तो है कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार विकास में जितना सहयोग कर रही है, उसके साथ साथ हम लोग भी अपनी 100% भूमिका का निर्वहन करें, अस्थाई सड़कें बनवाएं, शहर को सुंदर करें। और वस्तुतः गोरखपुर शहर इतना विकसित और इतना बड़ा हो कि हम इसे लखनऊ से भी बेहतर बना सकें, इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए कृत संकल्पित हैं। हम लोगों की सड़कें 100% गुणवत्ता की बनती हैं, और एक बार बन जाएँ तो कभी फिर दोबारा ख़राब नहीं होती हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया है। शिलान्यास कार्यक्रम करने के पहले हमने घर घर में पर्चे बंटवाए हैं, लोगों को मानक लागत और कैसे क्या निर्माण होगा उसके बारे में हर नागरिक को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। और लोकतंत्र में जब जन सहभागिता होती है तो निर्माण भी अच्छे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, और जनता में जो राजनीति को लेकर एक अविश्वास बनता है वो अविश्वास का भाव भी समाप्त होता है। मैं आभारी हूँ यहाँ के नागरिकों का, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में ये सब यहाँ इकट्ठे हैं। मैं अपनी पार्षद जी श्रीमती प्रमिला ओझा जी का और उनके प्रतिनिधि अपने इस मंडल के उपाध्यक्ष माननीय अजय ओझा जी का और अपने अध्यक्ष माननीय सत्य शुक्र जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत अच्छी विधिवत तैयारी की।